नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे समस्त शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, उन छात्र छात्राओं के जो आधार KYC करना है छात्रवृत्ति के लिए, वो आधार KYC हम कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के जो आधार KYC हमें करना है छात्रवृत्ति के लिए, तो उसके लिए हमें गूगल पर सिंपल से शिक्षा पोर्टल सर्च करना है। जैसे आप शिक्षा पोर्टल सर्च करोगे तो ये जो सबसे पहली लिंक हमें दिख रही, शिक्षा पोर्टल आप मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश, ये वाले लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल। तो दोस्तों, ये जो पोर्टल है, इसके माध्यम से ही हमारे छात्र छात्राओं का जो आधार KYC है वो इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। जब तक छात्र छात्रा का eKYC आधार KYC नहीं होगा तो उन छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति है वो इस सत्र नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आपको जो है अपनी eKYC फ्री में घर बैठे करने के लिए आपको ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना eKYC कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आधार eKYC का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नई टैब खुलेगी। उसके बाद में दोस्तों, आप जिस भी छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर यानी कि KYC आधार KYC करना चाहते हैं, उस छात्र छात्रा या माता पिता या जो भी स्कूल शिक्षक है उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। जिसके भी नंबर आपको प्राप्त हो जाए, छात्र छात्रा के माता पिता या पिता माता या छात्र छात्रा के स्वयं के या स्कूल टीचर या स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर, जिनके भी नंबर आपके पास उपलब्ध है उनके नंबर यहाँ पर आपको देना है। मोबाइल नंबर पुनः देना है, कैप्चा कोड डालना है और OTP प्राप्त करें पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से एक मैसेज होगा, दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। तो इसको हमें सिंपल से ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे मोबाइल पर जो OTP आई है वो OTP हमें देनी है। तो ये OTP दोस्तों, आपको जब भी आप अपना आवेदन फॉर्म फिल करोगे और मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको हर बार अलग OTP प्राप्त होगी। तो जो भी आपको OTP प्राप्त हो वो OTP डालने आए और सिंपल से सबमिट पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों, जिस भी छात्र या विद्यार्थी का आपको जानकारी यानी कि समग्र ID आधार से KYC करनी है, उस विद्यार्थी छात्र की यहाँ पर समग्र ID देनी है। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी नहीं है, छात्र की स्वयं की आईडी देनी है, कैप्चा कोड देना है और विद्यार्थी की जानकारी देखे पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे हम छात्र विद्यार्थी की जो समग्र आईडी डालकर कैप्चा कोड डालकर जानकारी देखे पर क्लिक करेंगे तो समग्र के अनुसार विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी, जिसमें सबसे पहले जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, समग्र आईडी, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्कूल का नाम जिसमें अध्ययनरत है, क्लास, एकेडमिक ईयर, सारी जानकारी यहां पर आपको दिखेगी। दोस्तों, सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर रखी है, इसलिए आप जिस भी छात्र छात्रा या जिस भी विद्यार्थी का आप समग्र आईडी आधार से KYC करोगे उसकी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमें आधार KYC करे पर सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आधार सत्यापन करें, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो सबसे पहले जो घोषणा पत्र है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर, जिस भी छात्र का आप आवेदन करोगे उसका आधार नंबर देना है, पुनः आधार नंबर देना है और OTP द्वारा eKYC करे पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। दोस्तों, अभी इस पोर्टल पर जो है अपडेशन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आप KYC बायोमेट्रिक के माध्यम से इस पर अभी अपडेशन यानी कि जिस भी छात्र का आप KYC करना चाहते हैं बायोमेट्रिक के माध्यम से अभी नहीं कर सकते, तो अभी OTP के माध्यम से कर सकते हैं। तो जिस भी छात्र छात्रा के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर दर्ज है यानी कि रजिस्टर्ड है, वो छात्र छात्राओं के आप अभी कर सकते हैं। तो जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर डालना है, OTP द्वारा eKYC करे पर आपको सिंपल से क्लिक करना है और संबंधित छात्र छात्रा के जो आधार KYC आपको करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सत्र 2022-23 में मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के माध्यम से जो छात्र छात्रा जो भी विद्यार्थी की हमें आधार KYC करनी है वो इस तरीके से करना है और जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो संभाल कर अपने पास रखनी है।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, एवं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।